नमस्कार, आप देख रहे हैं टोटल न्यूज। आपके साथ मैं हूं अपर्णा मौजम। स्वागत है आपका प्रॉपर्टी गाइड के इस खास शो में। प्रॉपर्टी गाइड में आज हम बात करेंगे नोटबंदी के बाद उभरते रियल एस्टेट सेक्टर की। लंबे वक्त से रियल एस्टेट मंदी की मार झेल रहा था, पुराने प्रोजेक्ट तैयार होते नहीं दिख रहे थे और दूसरी तरफ बायर्स काफी समय से प्रॉपर्टी बाजार से नदारद थे। लेकिन अब प्रॉपर्टी बाजार के दिन बदलने लगे हैं, हालात धीरे धीरे बेहतर हो रहे हैं, बायर्स इंक्वायरी के लिए पहुंचने लगे हैं और बिल्डर्स को फिर से उम्मीद की एक नई किरण दिखनी शुरू हो गई है। लेकिन क्या वापस आएंगे प्रॉपर्टी बाजार के सुनहरे दिन और फरवरी में पेश होने वाले बजट से क्या होगा कुछ फायदा? ऐसे कुछ सवालों का जवाब जानेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं प्रॉपर्टी गाइड की विल टेल यू एवरीथिंग। और रियल एस्टेट के करंट सिनेरियो पर बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं प्रॉपर्टी एक्सपर्ट ललित टेक चंदानी जी। ललित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। ललित जी, बहुत सारे सवाल हैं हमारे भी, हमारे कॉलर्स भी जुड़ेंगे हमारे साथ, उनके जवाब आपसे जानेंगे। लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट यहाँ पर दर्शकों को दिखाते हैं कि इस तरह बजट को लेकर जो उम्मीदें हैं वो काफ़ी जग गई हैं। बिल्डर्स लगा रहे हैं होप कि उन्हें फ़ायदा होगा इस बजट से। बायर्स की अपनी उम्मीदें हैं कि उनके आशियाने की तलाश पूरी होगी और जेब पर भी भार कम पड़ेगा। लेकिन क्या कुछ कह रहा है ये मार्केट, पहले दिखाते हैं आपको स्पेशल रिपोर्ट के ज़रिए। भारत की जीडीपी में ज्यादा योगदान देने वाले और रोजगार के अवसर पैदा करने वाले रियल एस्टेट सेक्टर को इस साल बजट से काफी उम्मीदें हैं। जीएसटी और नोटबंदी के बाद पीएम द्वारा अफोर्डेबल हाउसिंग से जुड़ी कई रियायतों की घोषणा और ब्याज दरों में कटौती जैसे कदमों से रियल सेक्टर को साल 2017 लाभदायक नजर आ रहा है। दरअसल नए साल के मौके पर पीएम मोदी के ऐलान के बाद बैंकों ने सस्ते लोन का तोहफा दिया तो ग्राहक भी प्रॉपर्टी बाजार में वापस लौटने की हिम्मत कर रहे हैं। हमने एक सर्वे किया था मैजिक ब्रिक्स में और अबाउट 60% ऑफ कंज्यूमर्स ने ये कहा कि हम खरीदना चाहते थे, अभी भी खरीदना चाहते हैं, मगर 4 से 6 महीना रुक के खरीदेंगे ताकि हमें पता चले कि कितना प्राइस वेरिएंस होगा। तो हमने सोचा उनसे ये भी पूछ ले कि प्राइस कितना गिर सकता है। तो मोस्ट पीपल यही समझते हैं कि 10 से 15% तक प्राइस गिर सकता है। और हमने जब डेवलपर्स से बात की तो डेवलपर्स भी यही कहते हैं कि अगर आप एक सीरियस बायर हैं, क्योंकि आज ये बायर्स मार्केट है, बहुत सारा स्टॉक मार्केट में आ गया है, डेवलपर्स भी 8 से 10% तक तो निगोशिएट कर रहे हैं जिन मार्केट्स में इसका स्कोप है। अगर किसी ऐसे मार्केट में आप जाएं जहां पे स्टॉक है नहीं, तो वहां पे आप ये ना एक्सपेक्ट करें कि आपको 10 से 15% भी ड्रॉप मिलेगा। डेवलपर्स के मुताबिक प्रॉपर्टी बाजार में बीते 3 महीनों में बायर्स करीब 50% तक कम हो गए हैं। अब रियल सेक्टर के लोगों की उम्मीदें आने वाले दिनों में व्हाइट मनी वाले निवेशकों पर ही टिकी हैं। बहरहाल निगाहें आम बजट पर भी टिकी हैं। अगर गवर्नमेंट ने कहा कि हम आपके साथ हैं, हम आपको तसल्ली देंगे कि आपको आपने जो खरीदा है वो आपको मिल जाएगा, इससे कंज्यूमर सेंटिमेंट उभरेगा और यही बजट का डायरेक्शन होना चाहिए। एक और चीज़ है बजट में, हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जो होम लोन इंटरेस्ट रेट पे जो टैक्स ब्रेक्स हैं वो अभी 2.5 लाख तक है, वो शायद 3.5 लाख तक जा सकता है। हमने एक सर्वे किया, मोस्ट ऑफ द कंज्यूमर्स, ऑलमोस्ट 60-70% ऑफ कंज्यूमर्स यही कह रहे हैं कि हमें लगता है कि इस एग्जेम्पशन लिमिट को बढ़ाया जाएगा। अगर ये बढ़ाया जाए ये एक बहुत पॉजिटिव स्टेप रहेगा। नोटबंदी से रियल सेक्टर को खासा नुकसान उठाना पड़ा है। हालांकि मंदी के ये हालात पिछले 3-4 सालों से हैं, लेकिन उम्मीदें अभी भी बरकरार हैं। देखना होगा कि क्या 1 फरवरी को पेश किए जाने वाले बजट से उसकी खोई रंगत वापस आएगी। टोटल न्यूज के लिए नोएडा से पूजा राठौर शर्मा की रिपोर्ट।
तो उम्मीदें नजर आ रही हैं, नई उम्मीदें हैं, देखना होगा कि उम्मीदों का ये उजाला कहां कहां तक पहुंच पाता है। ललित जी, सबसे पहला सवाल तो यही कि वाकई जो दिख रहा है क्या ऐसा है, क्या रियल एस्टेट बाजार इस वक्त लग रहा है कि बेहतर हो रहा है और आने वाले समय में होगा? नहीं, देखिए जो हम बात कर रहे हैं बेहतर होने की, तो इस समय जो है एक जो बायर है, जो कि एक सीरियस बायर है, वो मार्केट में आ रहे हैं, मार्केट में अपना इंटरेस्ट शो कर रहे हैं, डिफरेंट डिफरेंट प्रोजेक्ट्स में इंटरेस्ट शो कर रहे हैं, एक अच्छी डील की खोज में है, तो वो उनका जो ग्राउंड वर्क है वो स्टार्ट हो गया है। उसके दो तीन कारण है। एक तो सबसे इम्पॉर्टेंट जो कारण है वो उनका था रियल एस्टेट बिल को लेके, जिसके अंदर बड़ा कॉन्फिडेंस दिया गया है बायर को और सेंटिमेंट्स जिससे एक इम्प्रूव होने के बहुत चांसेस हैं, तो वो जो रियल एस्टेट बिल को लेके। और दूसरी बात यह है कि वो लोग जो है इसमें, देखिए हम प्राइमरी मार्केट की बात करते हैं तो 85% लोग वो होते हैं जो कि बैंक पे डिपेंडेंट होते हैं, बैंक से फंड लेते हैं, उसके इंटरेस्ट रेट वगैरह की उसके अंदर काफ़ी भूमिका होती है। तो लोगों को बहुत उम्मीद है कि डीमोनेटाइजेशन के बाद जब इतना सरप्लस कैश बैंक्स पे वापस आ गया, तो कहीं ना कहीं आपको होम लोन इंटरेस्ट में, आपकी टैक्सेस में कहीं ना कहीं रिबेट मिलेगी, तो इस बजट से भी काफ़ी उम्मीद है। तो उसके चलते हुए लोग मार्केट में हैं इस समय। आप देखेंगे कि मोस्टली संडेज को लोग बाहर निकलते हैं, जो संडे आज से 3 महीने पहले का था और जो आज का संडे है, उसमें आप देखेंगे जिस क्षेत्र में कंस्ट्रक्शन हो रही है, जहाँ पे प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, आपको काफ़ी हलचल दिखेगी। आप खुद ही ग्राउंड वर्क, अगर आप ग्राउंड पे जाते हैं तो आपको वो चीज़ें पॉजिटिव दिखेंगी। तो ये एक बड़ा अच्छा स्टेप है, लेकिन लोग अभी भी थोड़ा जो है अपनी जो ग्राउंड वर्क है, क्योंकि जैसे कि कहा कि बायर्स मार्केट है, तो एक्चुअली में बायर्स मार्केट है, उनकी जो नेगोशिएशंस हैं, जो वो प्रोजेक्ट शॉर्टलिस्ट करते हैं, वो नेगोशिएशंस कर रहे हैं और वेट कर रहे हैं एक राइट टाइम का, एक बजट में कुछ अनाउंसमेंट्स का। बजट में अगर अनाउंसमेंट नहीं भी आएगी तो इस समय बायर को मेरे हिसाब से ऐसा कुछ नहीं है कि वो बजट से रिलेटेड ही रहेगा, इंटरेस्ट रेट 1% कम हुआ या नहीं हुआ उससे कोई इतना इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, बट एक पॉजिटिविटी उससे ज़रूर आती है। उससे ज़्यादा पॉजिटिविटी की ज़रूरत थी सेंटीमेंट्स की, जो कमिटमेंट्स जो हम डेवलपर्स करते थे, लोग जो करते थे और उसको पूरा नहीं कर पाते थे, तो वो कहीं ना कहीं एक सुधार रियल एस्टेट बिल के जरिए लोगों को दिखता है और मार्केट में उतरे हैं लोग। बजट की आपने बात की, तो वाकई कई लोगों से मेरी भी जिस तरह बात हुई है प्रोग्राम को लेकर भी और वैसे भी, तो वो काफ़ी उम्मीदें वाकई लगा रहे हैं। टैक्स की अगर हम बात करें, वहाँ एग्जम्पशन की बात करें या फिर होम लोन्स को इंटरेस्ट रेट की बात की जाए, तो क्या लगता है कि क्या कुछ सोचा होगा सरकार ने बजट में बायर्स के लिए, जो खासकर घर खरीदना चाहते हैं? देखिए जब बायर्स की बात है, तो हमने भी काफ़ी बायर्स से बात की, तो सबका यही होता है दिल मांगे मोर, तो लोग तो कहते हैं 6% हमारे को मिल जाएगा, लेकिन वो पॉसिबिलिटी नहीं है। कहीं ना कहीं आपको देखिए, अब ये फाइनेंसेस और ये सब चीज़ें होती हैं, एक हाई लेवल चीज़ होती है, तो लोगों को इतनी उम्मीद है कि 8-8.5% तक का इंटरेस्ट रेट आ जाना चाहिए, जबकि लोगों के पास फिगर्स है कि बैंक्स के पास कितना वो आया और बैंक्स को आगे लेंड करना है, क्योंकि बैंक को भी फंड रोकने पे बैंक का ज़्यादा नुकसान है, तो बैंक भी चाहेगी कि एक पॉजिटिव सेक्टर में, जहाँ पे उनको उम्मीद है रीपेमेंट्स की और इसकी, तो उन सेक्टर्स को वो इनकरेज करेगी। तो अगर हम रिटेल लेंडिंग की बात करें, रिटेल लेंडिंग मतलब एक इंसान जो कि बैंक का लोन लेता है, अगर उसका फाइनेंशियल पोर्टफोलियो सही है, उसकी इनकम और वो सब जो पैरामीटर्स जो बैंक एक वेटेज देती है कि आपकी इनकम विज आप कितना लोन अवेल कर रहे हैं और वो प्रोजेक्ट सही है, तो इन चीज़ों को पैरामीटर्स को देखते हुए बैंक कहीं ना कहीं आपको एक्स्ट्रा स्वैप्स दे सकता है। दूसरी बात यह है कि आपके जो टैक्स पर जो टैक्स स्लैब होते हैं, आपके जो आपकी इनकम बेस्ड एक टैक्स स्लैब होते हैं, तो उस पर जैसे 2.5 लाख तक का था कि आपके कवरेज की जाती थी, उसकी भी लोगों की उम्मीद है कि वो 4 लाख तक बढ़ेगी, ताकि लोग एक इनकरेज हो इन चीज़ों में और एक पॉजिटिविटी, एक टैक्सेशन और वो सब चीज़ें जो है, जो एक मेजर मुहिम थी, कहीं ना कहीं उस पर भी एक मार्गदर्शन मिले। जी अनिल जी, ललित जी, हमारे कॉलर्स के जुड़ने का सिलसिला भी शुरू हो गया है। हमारे साथ अनिल सैनी हैं जनकपुरी से। अनिल जी, क्या है आपका सवाल? नमस्कार मैडम। नमस्कार मैडम, हम एक कमर्शियल प्लॉट लेना चाह रहे हैं 100 गज का। जी, बिगाड़ी और द्वारका एक्सप्रेस वे से कहाँ पे ठीक रहेगा और क्या रेट में मिलेगा जी? और अभी टाइम लेने का सही है या वेट करें? जी देखिए, आपने जो ये दो लोकेशन चुनी है, भिवाड़ी या द्वारका एक्सप्रेसवे, ये दोनों ही अगर मैं प्राइस पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं तो ऑलमोस्ट डबल का फर्क आ जाएगा अगर आप भिवाड़ी में देखेंगे और द्वारका एक्सप्रेसवे में देखेंगे। तो ये चीज़ आपको देखनी है कि आपका ऑप्टिमल रिटर्न कहाँ पे आएगा। अगर आप भिवाड़ी में लेते हैं तो आपको सस्ती मिलेगी,
लेकिन भिवाड़ी जिस हिसाब से डेवलप हो रहा है उस हिसाब से आपका जो एक रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट होता है वो कहीं ना कहीं वो मेंटेन रहेगा, एक अच्छा रहेगा। दूसरा, यहाँ पे आपकी इन्वेस्टमेंट ज़्यादा रहेगी, इन्वेस्टमेंट का रिटर्न और उस पूरे एरिया में आबादी आने में, क्योंकि द्वारका जो एक्सप्रेसवे है उसमें अभी भी कुछ अड़चने हैं, तो उसमें पूरी आबादी आने में, बिकॉज कमर्शियल आप प्लॉट की बात कर रहे हैं तो उसका आबादी का बड़ा सहयोग होता है। अगर आसपास जनता ही नहीं होगी तो वो कमर्शियल प्लॉट में आप कमर्शियल एक्टिविटी नहीं कर पाएंगे, तो वो चीज़ को आपको नज़रअंदाज देखना पड़ेगा कि वहाँ पे क्या पॉपुलेशन ग्रोथ हो रही है, कितनी जल्दी हो रही है भिवाड़ी में विज़ाविज़ द्वारका एक्सप्रेसवे में, और फिर आप एक कॉल ले सकते हैं। मेरे हिसाब से इस समय अगर आप लो इन्वेस्टमेंट करेंगे भिवाड़ी की तरफ, क्योंकि जिस हिसाब से भिवाड़ी डेवलप हो रहा है जैसे मैंने पहले कहा, वो एक बेटर ऑप्शन रहेगा जी। और गुरुग्राम से एक और कॉलर जुड़ गया हमारे साथ, गुलशन जी है, क्या है आपका सवाल गुलशन जी? हमने एक प्लॉट लिया था सेक्टर 62 गुड़गांव गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड पे, तो 7 साल पहले उसकी थोड़ी पेमेंट करी थी, उसके बाद हमने 70% पेमेंट अभी 5-6 साल हो गए करी हुई है, तो हमने बायर एग्रीमेंट भी बना दिया था। पहले ब्रह्मा कृष के नाम था, फिर उन्होंने बायर एग्रीमेंट ब्रह्मा के नाम कर दिया, अभी कह रहे हैं कृष के पास है जमीन, ब्रह्मा दूसरा प्रोजेक्ट देख रहा है, तो उसका क्या फ्यूचर है? हमारे तो पैसे फंसे हुए हैं मोर देन ए करोड़। देखिए, जो हम बात कर रहे हैं पैसे फंसे हुए की, ऐसा नहीं है कि आपके पैसे फंसे हुए हैं। अब जिस हिसाब से आप बता रहे हैं कि एक एक पार्टी दूसरे पे बोल रही है कि अब उनके पास चला गया उनके पास चला गया, तो इनके आपस में प्रमोटर्स का कुछ ना कुछ एक आपस में रहा होगा, कोई करार होगा कि पहले जॉइंटली कर रहे होंगे फिर अलग अलग हो गए होंगे, तो इस कारण आपका ये डिले हो रहा है। बाकी इस समय आप देखिए प्रॉपर आपके पास पूरे पूरे राइट्स है ड्यू डिलिजेंस करने का, अगर आपको बिल्डर इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहा है तो आप अथॉरिटी से, जो वहाँ की डेवलपमेंट अथॉरिटी है, आप उनको अप्रोच कर सकते हैं, उनसे जान सकते हैं कि प्लॉट किसके नाम पे है और इस प्लॉट पे क्या लाइसेंसेस हैं, क्या नहीं है, क्या अप्रूवल्स हैं, क्या वो रेडी टू सेल है कि नहीं है, तो आप ये एक इंटरनली आप वो कर सकते हैं, उसके अंदर आप RTI का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। बाकी बेहतर ये रहेगा कि आप क्रेश या जो भी आप बात कर रहे हैं आप उनसे जाके मिलिए, और ऐसा नहीं है कि कोई वो कोई बात छुपाना चाहेंगे आपसे, अगर वो बिल्कुल आपको पोजेशन दे सकते होंगे तो ज़रूर देंगे वो, तो आप उनको मिलिए, थोड़ा प्रेशर बनाइए, थोड़ा सा अगर आप किसी लॉयर को इन्वॉल्व करेंगे ड्यू डिलिजेंस के लिए कि वो प्लॉट अप्रोप्रिएट है, उसके लीगल क्लियरेंसेस हैं, तो वो भी आपको हेल्प कर सकता है। अगर आप वो नहीं करना चाहें तो आप खुद अथॉरिटी जाके RTI का इस्तेमाल कर सकते हैं, अगर आपको अथॉरिटी कोई सही जवाब नहीं दे रही तो ये आप कर सकते हैं जी। और हरिनगर से जुड़ गए हमारे साथ ए चैटर्जी जी हैं, क्या है आपका सवाल? स्मार्ट सिटी हेल्थ जोन में हमने प्रॉपर्टी बुक किया है, अब वो कब तक वो मेटेरियलाइज होगा जी? देखिए, वो आपने आपके बायर्स अग्रीमेंट में क्या उन्होंने आपको डेट दी है क्या नहीं दिया, उसके हिसाब से उसका वो होगा। हालांकि अगर हम बात करते हैं कि जो डेट एक डेवलपर देता है वो डेट कभी वो मीट कर ही नहीं पाता, उससे हमेशा ऊपर का टाइम लगता है, तो आने वाले टाइम में इन चीज़ों को भी देखते हुए ये रियल एस्टेट बिल में प्रोविजंस हैं उसको ऐसे करने के लिए कि आपको जो कमिटमेंट की गई है वो कहीं ना कहीं पूरी हो। बाकी दूसरी बात यह है कि जो आपके टाइमिंग्स है वो आप ही को पता होगा कि किस टाइम पे डेवलपर ने बोला आपको पोजेशन देने के लिए, तो उसके हिसाब से ही चलेगा। अगर इनकेस कोई डिले होता है जो कि नहीं होना चाहिए अनुमान आने वाले टाइम में, बट उसके लिए प्रावधान होगा, आपके क्लॉजेस होंगे और आपके पास काफ़ी रिसोर्सेज हैं रिकोर्सेज हैं उसको ठीक करने के जी। ललित जी, जिस तरह से अगर बात की जाए कि हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि काफ़ी अच्छा होगा आने वाला वक्त और बजट से भी काफ़ी हमारी होप्स हैं, लेकिन अगर मार्केट की बात की जाए तो इस वक्त बहुत सारी अफोर्डेबल स्कीम्स के आप देखेंगे कि मतलब बैनर्स होते हैं, होर्डिंग्स होते हैं, तो बायर्स कुछ ऐसे हैं जो घर खरीदना चाहते हैं लेकिन उनका बजट ना उन्हें अलाउ नहीं करता है, तो क्या देख कर जाए अपने जो उम्मीदों का महल खड़ा करें या फिर जितना पॉकेट अलाउ करे उसमें लिमिटेड रहे और ज़्यादा चक्कर में ना पड़े कि यहाँ से फाइनेंस करवाएंगे यहाँ से लोन लेंगे? नहीं, देखिए, अपने आप को ओवर स्ट्रेच करना तो बिल्कुल नहीं, ये टाइम नहीं है अपने आप को ओवर स्ट्रेच करें, जितनी चादर है आप उसी में उसी उसमें रहें, बल्कि उसकी भी आधी चादर यूज़ करेंगे तो बेटर रहेगा। बिकॉज देखिए, ग्रो लाइफ में होता रहता है, लोग जो है जो हम रियल एस्टेट मार्केट बोलते हैं वो कैसे बना, वो 1 बेडरूम वाले की एस्पिरेशन थी 2 बेडरूम में जाने की, फिर 3 बेडरूम में जाने की, तो इसी तरीके से ये डेवलपमेंट और ये जब जो ग्रोथ हुई है उसी चीज को देखते हुए हुई है, तो आज थोड़ा सा एक पोजीशन ऐसी है, बिकॉज डीमोनेटाइजेशन के बाद खासकर नॉट ओनली रियल एस्टेट सेक्टर, काफी सेक्टर्स को बहुत असर पड़ा है और मूवमेंट स्लो रहेगी, तो आपको कहीं ना कहीं वो चीज़ को भी देखना है, बिकॉज मूवमेंट स्लो रहेगी। मैं वो नहीं कह रहा कि एक इंडस्ट्री पे मूवमेंट स्लो रहेगी, एक इंडिविजुअल पे भी मूवमेंट स्लो रहेगी, जो आपके सैलरी पैकेजेस हैं, जो जॉब लॉसेस
लोग एंटिसिपेट कर रहे हैं डीमोनेटाइजेशन की वजह से, वो कहीं ना कहीं एक असर डालता है, बिकॉज अगर आपकी इकोनॉमिक स्टेबिलिटी नहीं है तो आपके इन सेक्टर्स पे बहुत असर पड़ता है। तो थोड़ा सा लिमिटेशंस में रह के आप इन्वेस्ट कीजिए, और मैं ये बोलूंगा कि ये जो टाइम है ना, ये बेस्ट टाइम है एक इन्वेस्टमेंट का, प्रोवाइडेड आप अपनी लिमिट्स में रहें। आप अपने आप को ओवरस्ट्रेच मत कीजिएगा, लिमिट में लेके इन्वेस्ट करेंगे आपको अच्छी आपको ऑप्शंस मिलती हैं, आप जरूर उसकी तरफ रुख कीजिए। जी, और त्रिनगर से जुड़ गए हमारे साथ हमारे एक और कॉलर विनय हैं। क्या है आपका सवाल? हेलो, अपना सवाल बताएं दिनेश। सर नमस्कार। नमस्कार सर, मेरा सवाल ये कि जो अभी गवर्नमेंट ने अनाउंस किया कि लास्ट टाइम की जो बेनामी संपत्ति है उसके बारे में कुछ गवर्नमेंट एक्शन लेगी, मैं जान सकता हूँ बेनामी संपत्ति का मीनिंग क्या है, कौन सी संपत्ति बेनामी संपत्ति है? देखिए, बेनामी संपत्ति पे अभी जो है उस पर काफी चर्चा होनी है, काफी चीजें आनी भी है उसको लेके। वो जो होती है बेनामी होती है कि आपकी आपका पैसा होता है लेकिन आपने किसी अपने जानकार के, अपने रिलेटिव के, अपने दोस्तों के, उनके उनके नाम पे वो प्रॉपर्टीज़ आपने इन्वेस्ट की होती है अपनी टैक्स इवेजन को, टैक्स वैक्स बचाने के लिए अपने, या आपका पास अगर ब्लैक मनी था तो उसको पार्क करने के लिए आपने वो प्रॉपर्टीज़ खरीदी होती हैं। और ज़्यादातर ये देखा जाता है कि लैंड डीलिंग्स में ये चीज़ें होती हैं, जाके जहाँ पे एक जैसे शेड्यूल कास्ट की प्रॉपर्टी है या शेड्यूल ट्राइब की प्रॉपर्टी है, वो सिर्फ शेड्यूल कास्ट है, शेड्यूल ट्राइब ही ले सकता है, एग्रीकल्चरल लैंड है, रेजिडेंशियल लैंड है, उसको देखते हुए आबादी की है कि नहीं है। तो ये काफ़ी इसके अंदर काफ़ी डिटेलिंग में अभी आपको आने वाले टाइम में पता लगेगा, जिस हिसाब से जो काम चल रहा है बेनामी प्रॉपर्टीज एक्ट को लेके, तो ये काफ़ी चीज़ें खुलासा आएंगी। तो इस तरीके की जो प्रॉपर्टी होती है बेनामी, मतलब जो आपके नाम की नहीं है लेकिन आप एक्चुअल उसमें मालिक हैं, आप एक तरफ से आपने किसी और के नाम पे वो प्रॉपर्टी कर दी लेकिन उससे सारे राइट्स ले लिए, तो इस तरीके की जो प्रॉपर्टीज होती है उसको बेनामी कहा जाता है। जी, और उत्तराखंड के रुद्रपुर से नेकी राम जी जुड़ गए हमारे साथ। नेकी राम जी, क्या है आपका सवाल? चलिए, संपर्क टूट गया है। जिस तरह आपने बताया कि जो गवर्नमेंट है वो लगातार अपने जरिए ये अनाउंस कर रही है, अपने अनाउंसमेंट के जरिए कि वो काफ़ी स्ट्रिक्ट है जो ब्लैक मनी होल्डर्स है उनके लिए, और जो रियल एस्टेट में काला पैसा इन्वेस्ट करते हैं किसी भी चीज़ की आड़ में, तो उससे क्या सीधा फायदा बायर्स को होगा या फिर जो डेवलपर्स हैं वो थोड़ा हिचकिचाएंगे, वो पैसा नहीं लगाएंगे, या फिर मतलब उससे कितना फ़र्क पड़ेगा? देखिए, जहाँ तक एक रियल एस्टेट मार्केट है, रियल एस्टेट मार्केट में ट्रांसपेरेंसी की बहुत ज़रूरत थी, बिकॉज होता क्या था एक्चुअल में और आपको बोला क्या जाता था, होता कुछ था। तो उसके अंदर जो ये हम बात कर रहे थे ब्लैक मनी की इन्वॉल्वमेंट इतनी ज़्यादा कोई स्तर पे रियल एस्टेट में नहीं थी, बिकॉज हमने पिछले 4-5 साल से देखा कि सर्कल रेट्स और जो मार्केट रेट है वो कहीं ना कहीं बराबरी की तरफ आ रहे थे। जो एक टाइम पे रेशियो होता था कि 20% आपका सर्कल रेट होता था और 80% आपका मार्केट रेट होता था, यानी कि 80% ब्लैक मनी की इन्वॉल्वमेंट, तो वो ग्रेजुअली वो चीज़ कम हुई थी। तो जो अभी मैं अगर हम एवरेज की बात करें तो 75% आपका सर्कल रेट होता है अगर मैं एवरेज की बात करूँ, और 25% आपका ब्लैक मनी होता था, आपका कैश कंपोनेंट होता था जो आप इधर उधर से इकट्ठा करके कोई रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करते थे। तो वो चीज़ें ऑलरेडी धीरे धीरे ग्रेजुअली हट रही थी, लेकिन इस तरीके के मार्केट में, इस तरीके के माहौल में जहाँ पे कैश नहीं है सिस्टम में, जहाँ पे ब्लैक मनी सिस्टम में इस समय नहीं है, तो इस समय तो मैं बोलूँगा कि 100% आपकी जो ट्रांजैक्शंस है वो वाइट की ट्रांजैक्शंस है, और प्राइमरी मार्केट जो कि एक बिल्डर वाला मार्केट होता है जिसमें फ्लोर वाले जो घर होते हैं उनमें तो इन चीज़ों की ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट नहीं थी, क्योंकि मोस्टली जो बायर्स थे वो बैंक से फंड लेते थे और वो फिर आगे बिल्डर के पास पास ऑन होता, तो नंबर एक की सारी ट्रांजैक्शंस होती थी। बट इस समय जो सेकेंडरी मार्केट है वो मार्केट एकदम रुका हुआ है, जहाँ पे जो कि मैंने कहा कि एक ब्लैक मनी की इन्वॉल्वमेंट होती थी, उसको थोड़ा उभरने में टाइम लगेगा अभी। बट जो दूसरा मार्केट है, मेरे हिसाब से जिस हिसाब से जो रियल एस्टेट की हालत थी, ऑलरेडी मार्केट बहुत डाउन था, प्राइसेस एकदम बॉटम आउट हो गए हैं, आप बिल्कुल बेहिचक, आप अगर एक प्रोजेक्ट जो कि नया लॉन्च हो रहा है उसमें भी इन्वेस्ट करेंगे तो भी आपको फायदा रहेगा, बिकॉज आप आने वाले टाइम में आपको पोजेशन मिलेगा या नहीं मिलेगा वो टेंशन आपको नहीं है, क्योंकि रियल एस्टेट बिल में ऐसे प्रोविजंस हैं जो कि उसको टेक केयर करते हैं। बिल्कुल, और यहाँ पर हाई रेगल जुड़ गई है, सायरा हमारे साथ है। क्या है आपका सवाल सायरा? Hi. My question is that I have a plot of 300 square meter at Yamuna Expressway, Sector 20, and it got allotted in 2009. So just wanted to know what is the future for that. As every second day new allotment is coming. So can you just guide me over it? See, as of now, it is futuristic.
यमुना एक्सप्रेसवे वाज अ जोन विच वाज क्रिएटेड, जो कि क्रिएट किया गया था एक देखने के लिए कि एक जो नया मार्केट एक ग्रोथ कॉरिडोर उसको माना गया था, लेकिन कहीं ना कहीं वहाँ पे लैक था बिकॉज उसमें सपोर्ट सिस्टम नहीं था। सपोर्ट सिस्टम मतलब अगर आप वहाँ पे हाउसिंग दे रहे हैं तो आप वहाँ पे काम और ये सब चीज़ों का विकल्प आपको देना चाहिए था। तो थोड़ा सा उसको रीप्लान किया गया है, आपने खुद ही अनाउंसमेंट सुनी होंगी जेवर वाले एयरपोर्ट की। तो ये सब जो इंफ्रास्ट्रक्चर जो वहाँ पे आएगा, जो कि सप्लीमेंट्री इंफ्रास्ट्रक्चर हम उसको बोलते हैं, आपकी इंडस्ट्रीज, आपकी वेयर हाउसिंग और जो कि वहाँ पे प्लान किया गया है, तो वो जब चीज़ें आना शुरू होंगी तो आपके प्रॉपर्टी को बहुत वेटेज मिलेगा। इस समय मार्केट डाउन है, इस समय प्राइम एरियाज ही इतने डाउन है कि लोग जो है प्राइमरी जो प्राइम एरियाज के एसोसिएटेड एरियाज हैं वहाँ पे रुख नहीं कर रहे थे। बट आने वाले टाइम में एक अच्छा ऑप्शन है, आप उसको थोड़ा होल्ड करिए। सेकंड आपका एडवांटेज ये है कि आपके पास प्लॉट है, आने वाले टाइम में प्लॉट्स की स्केयरसिटी होने वाली है क्योंकि हमारी जो डेवलपमेंट है वो वर्टिकल जा रही है, धीरे धीरे लैंड हमारी खत्म होती जा रही है। तो प्लॉट एक ऐसी चीज रहेगी जिसकी हमेशा डिमांड रहेगी और सप्लाई बहुत लिमिटेड हो जाएगी, तो होल्ड ऑन टू इट। बिल्कुल, हमारे साथ गुरुग्राम से राम कुमार जी जुड़ गए हैं। क्या है आपका सवाल राम कुमार जी? मैडम ये हेलो जी बताएं। मैडम ये गुड़गांव में द्वारका एक्सप्रेसवे पे ये सेक्टर 103 में अंसल वालों का प्रोजेक्ट है, ये 3BHK लिया था इन्होंने 2015 में पोजीशन देनी थी जी, मार्च 2015 में, और अभी तक वहाँ कोई काम को सुपरस्ट्रक्चर बना के खड़ा कर दिया है और कोई बताता नहीं है कुछ ज्यादा, तो उसका कैसे किया जाए इसके बारे में पूछना। कुछ नहीं, देखिए आप घबराइए मत, पोजेशन आपको 2015 में बोला गया था, हम अभी सिर्फ 2017 में ही बैठे हैं, तो लोगों के पास तो ऐसे केस है कि 8-8 साल तक उनको पोजेशन की मशक्कत करनी पड़ी जो कि मार्केट में नहीं होना चाहिए था। बट बिल्कुल घबराने की बात नहीं, कोई पैनिक करने की बात नहीं है, आने वाले टाइम में जो रियल एस्टेट बिल, जैसे कि हम बार बार उस पर स्ट्रेस कर रहे हैं, आप खुद ही रियल एस्टेट बिल की जानकारी ले सकते हैं, तो रियल एस्टेट बिल में बहुत प्रोविजंस हैं जो कि बायर के सेफगार्ड के हैं, तो आपको वो सेफगार्ड जरूर मिलेगा। आपकी इन्वेस्टमेंट आप बिल्कुल भी मत घबराइए, देखिए इन्वेस्टमेंट ऊपर नीचे जरूर हो जाएगी लेकिन इन्वेस्टमेंट से आपको कोई वंचित नहीं कर सकता, जो आपकी इन्वेस्टमेंट है वो रहेगी सेफ, ऊपर नीचे हो सकती है। तो बिल्कुल थोड़ा सा पैनिक मत कीजिए, थोड़ा सा और सब्र कीजिए, मेरे हिसाब से ये साल के मिड तक और क्लैरिटी आपको आ जाएगी रियल एस्टेट बिल को लेकर। जी ललित जी, सवाल तो बहुत सारे हैं लेकिन समय हमें इसकी परमिशन नहीं देता है, एक आखिरी कमेंट चाहूंगी आपसे एक प्रेजेंट सिनेरियो और फ्यूचर प्रोस्पेक्ट के मद्देनजर। देखिए प्रेजेंट सिनेरियो में यही है कि हम जो बात करते हैं रियल एस्टेट अभी खासकर नॉर्थ इंडिया की, अगर मैं रीजन की बात करूँ तो अगर लोग मार्केट में हलचल देखेंगे ना, अगर बिल्डर लोग जो हलचल देखते हैं मार्केट में फिर वो प्राइसेस बढ़ा देते हैं जी। तो इस समय अगर मार्केट में एकदम से हलचल आएगी तो आप देखेंगे कि प्राइसेस में भी बढ़ोतरी आएगी क्योंकि स्टॉक कम होता जाएगा, डिमांड बढ़ती जाएगी। तो अगर आप सीरियस बायर हैं तो मेरे हिसाब से ये टाइम है, एक दो महीने अपना आप थोड़ा ग्राउंड वर्क करिए, आपका ग्राउंड वर्क बहुत इंपॉर्टेंट है। आप घर बैठे प्रॉपर्टी नहीं ले सकते, आपके पास लोग आते होंगे ऑप्शंस लेके, आपको वहां पे एक फिजिकली जाके इंक्वायरी करके, आप अगर कोई प्रोजेक्ट चुन रहे हैं तो वहाँ की लोकल डेवलपमेंट बॉडी के पास भी जाइए, पूछिए उस क्षेत्र के लिए क्या क्या स्कीम्स हैं, क्या क्या प्लान्स हैं, तो वो सब एक सर्वे करके आप कॉल लें। और मेरे हिसाब से इस आने वाले एक दो महीने में आप सर्वे करके अगर आप रियल बायर हैं तो आप बिल्कुल उसको प्रॉपर्टी को सील कीजिए, आप बिल्कुल खरीदिए उसको। ललित जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने अपना कीमती समय निकाला हमारे लिए और देखा आपने कि किस तरह से यहाँ पर जो उम्मीदें हैं वो एक बार फिर दिखने लगी हैं, रोशन हुई हैं। उम्मीदें रखिए, आशावान रहिए लेकिन साथ ही सतर्क भी रहिए और अपने जो लिमिट से ज़्यादा अपनी आमदनी से ज़्यादा खर्च मत कीजिए क्योंकि उससे आपको नुकसान कम से कम होगा और जितना अलर्ट आप रहेंगे उतना आप सही रहेंगे। आज के हमारे इस एपिसोड में इतना ही, अगले हफ्ते फिर होगी आपसे मुलाकात, देखते रहिए टोटल न्यूज़।